गैलरी में सुलाता है, फिर आपको एक महीना डेढ़ महीना रखता है, खाए बिना आप लोग मरते हो, तब आपको पता चलता है कि साला मैं पहले पूछा होता, मैं अपने मुल्क से पूछा होता कि तुम किस कंपनी में भेज रहा है, तो आज मेरा ये हालत नहीं होता। आप लोग ये पूछते नहीं है। इन लोगों का बाप का यहाँ कंपनी रखा है क्या कि उधर से भेजेगा और तुरंत यहाँ कंपनी में लग जाएगा? नहीं, 80,000 दो, वो जितना मांगता है दो, वो तो बोल दिया है कि मेरे को जॉब दिलाएगा, तो इधर आप लोग उसको देके और आसानी में सोचते हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया। ठीक है, नमस्कार, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में बताया गया है कि आप लोग जो कमेंट करते हो ना, तो उसमें से सबसे अच्छे अच्छे कमेंट जो मैं होता है उसका मैं 4 कमेंट लिया हूं, जो हमारे भाई साहब लोगों ने पूछा है, तो मैं उसका जवाब दिया हूं। तो ये देख सकते हैं आपने कमेंट किया है कि पवन गुप्ता ने कमेंट किया है, आप साइड में देख सकते हैं, लेबर की सैलरी दुबई में कितना है, लेबर की सैलरी दुबई में कितना है। तो लेबर की सैलरी देखिए, एक मतलब मैक्सिमम माना जाता है कि मतलब 1,000 दिरहम कम से कम मिलता है, मतलब 1,000 दिरहम यहाँ का। ठीक है, अपना इंडिया का मान के चलिए हो गया, वो 1,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी 20,000 करीब होगा। ठीक है, तो ये इनका मिनिमम सैलरी होता है और उसके ऊपर कंपनी कम से कम वो ओवर टाइम भी देता है, और कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो 1,000 प्लस 200 भी देती हैं, तो कई कंपनी ऐसा भी है कि 800 प्लस 200 देती है, तो 1,000 में ये निकालना चाहती है। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है, ठीक है, सुविधाएं भी उनका अलग अलग है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा कमेंट क्या हुआ है, भूपेंद्र सिंह जी ने पूछा है कि वहां पर लेबर का खाना का पैसा कटता है या कंपनी देती है, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं भूपेंद्र सिंह जी कि यहाँ पे लेबर का जो मैं बोला ही आपको, अगले क्वेश्चन में आपने सुना ही था कि यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग उसका रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो मैं पहला बता दूं कि अगर आप यहाँ दुबई में हो तो अगर कंपनी आपको मतलब सेलेक्ट की है तो कंपनी आपको रूम एकोमोडेशन मतलब ट्रांसपोर्ट फ्री दे देती है। ठीक है, यहाँ का ये तो आप सोच लीजिएगा फ्री में मिलने वाला है, रूम और आपका आने जाने का, ठीक है, ये फ्री में मिलने वाला है, क्योंकि और ये जो खाना होता है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कई कंपनियां मतलब खाना का पैसा देती है, कई कंपनी बना के देती है तो उसका पैसा काटती है, अलग अलग है। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कोई पूछा है, संजय शर्मा जी जो ये पूछे हैं, ये सर इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कितना सैलरी होगा और सिलेक्शन कैसे होगा? तो संजय शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा किए हुए हैं तो उसका सैलरी कितना होगा ये तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नए हो या आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है या काम किए हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से मिलता है। ये नहीं कि आप अभी डिप्लोमा करके डायरेक्ट आके इधर काम में लग गए तो आपको मतलब सैलरी आप सोच रहे इधर 50,000 या 60,000 मिलना चालू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, और इसमें लिखा है सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा भैया, आपको पहले बात तो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपको दुबई आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा, उसके लिए आप विजिट वीजा लेके आ सकते हैं, इधर आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ अलग अलग कंपनी अलग अलग आपको सैलरी दे सकती है। ठीक है, आपके अनुभव के हिसाब से आप कितना काम किए हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, वो कंपनी इंटरव्यू लेगी उसके हिसाब से आपको सैलरी देगी, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपको 3,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा या 2,500 मिलेगा। ठीक है, आप जब इंटरव्यू दोगे, आप सेलेक्ट होगे, कंपनी आपको बताएगी कि इतना सैलरी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्रीमेंट साइन होगा, ऑफर लेटर मिलेगा, तो ठीक है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन था संजय शर्मा जी का, तो आप ये आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। और चौथा क्वेश्चन नेहा मित्रा, इन्होंने लिखा है कि भाई हमें भी दुबई में जॉब करना है, करने का मन है, बट कैसे करूँ, प्लीज हेल्प मी। तो नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये मतलब लेडीज़ होके आपने ये कमेंट किया। ठीक है, तो मैं लेडीज़ों के लिए खासतौर पे बता दूं कि यहाँ दुबई में लेडीज़ का मतलब मान सम्मान कुछ अलग है। ठीक है, और हमारे हमारे देश से इंडिया से यहाँ बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब ये सोचिए कि मतलब पूरा सेफली है, आप बिल्कुल जॉब कर सकती हैं नेहा जी, आप यहाँ पे आप जो भी काम किए हैं इसमें तो काम आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है क्या काम करती है, तो आपके हिसाब से मैं कुछ बताता, लेकिन मैं बता दूं कि आप मतलब जॉब करना चाहती हैं तो दुबई में आप जॉब कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके लिए आपको या तो विजिट वीजा में आना पड़ेगा, नहीं तो कोई विश्वसनीय कोई एजेंट हो जो
मतलब बहुत सालों से काम करता हो और दुबई मतलब भेजता हो आदमी को, तो उसको आप उसके थ्रू आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन चोरों से सावधान रहिएगा, इसका मैं पहले ही बता देता हूँ कि चोर से सावधान रहिए, क्योंकि पैसा लेके आपको बोलेगा कि इस जॉब में भेज रहा हूँ और इधर लाने के बाद आपको उस जॉब में नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत होगा, फिर आप बोलोगे कि आप बोले थे लेडीज के लिए सेफ है और इधर आने के बाद मेरे को जॉब ऐसा मिल गया है, ये वो ऐसा बोलेंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ सब एजेंट सही होते हैं, इसमें बहुत एजेंट ऐसे हैं जो रियल होते हैं, जो 100% वर्क करते हैं, काम करते हैं और काम दिलाते भी हैं। लेकिन इसमें हमको लग रहा है 80% 85% ऐसे हैं जो मतलब जॉब के नाम पर फेंक देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब जब भी आप किसी भी मतलब एजेंट के पास जाते हैं, अगर वो भेजने के लिए बोलता है आपका, आप जो काम करते हो उसके थ्रू भेजता है, कि जैसे आप अकाउंटेंट का काम करते हो तो अकाउंटेंट में भेजना चाहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या इलेक्ट्रीशियन, जो भी काम में भेजना चाहता है, तो आप वहीं पे आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हैं कि मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ सर ये बताइए। वो लोग ऐसा बोल देगा कि रेपुटेटेड कंपनी में जा रहा है। अरे रेपुटेटेड सब तो कंपनियां दुबई का रेपुटेटेड कंपनी है, तो क्या इसका मतलब तुम सब कंपनी में जा रहा है? आप लोग वहाँ पूछते नहीं है, और उसका ही ये लोग फायदा उठाते हैं कि आपको विजिट वीजा में बुला के और इधर आके एक रूम ये लोग रखता है, इधर भी एक आदमी रखता है, ठीक है, उसके पास ये लोग भेज देता है, ठीक है। और वो आदमी आपको एयरपोर्ट से रिसीव करके अपने रूम पे ले जाता है, जहाँ उस रूम में जहाँ 6 आदमी का जगह है वहाँ पे आप लोग को कम से कम ये 15-20 आदमी रखता है, ठीक है। और एक एक करके जॉब ढूंढ ढूंढ के जॉब दिलवाता है, ठीक है। आप उसमें 1 महीना लग सकता है, 15-20 दिन 25, ये नहीं आते आते लग जाएगा। ये लोग ऐसा एजेंट ही करते हैं, इंडिया से फ्रॉड करते हैं, ठीक है, और मतलब पाकिस्तान से भी ऐसा मतलब बुला के ऐसा करते हैं लोग। आप लोग उन सब चुट्टों के हाथ में मत पड़िएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग पहले पूछते नहीं है, यही बोलते हैं कि अरे कैसे भी मैं जा रहा हूँ दुबई, आप लोग खुश हो जाते हैं कि मेरा वीजा आ गया, मैं जा रहा हूँ दुबई। और उधर जाने के बाद जब इधर आते हो तब आपको पता चलता है कि ये लोग एक रूम में 20-25 आदमी रखता है, गैलरी में सुलाता है, फिर आपको 1-1.5 महीना लगता है, खाए भी ना आप लोग मरते हो, तब आपको पता चलता है कि साला मैं पहले पूछा होता, मैं अपने मुल्क से पूछा होता कि तुम किस कंपनी में भेज रहा है तो आज मेरा ये हालत नहीं होता। आप लोग ये पूछते नहीं है, ठीक है। और इधर आने के बाद बोलते हैं भैया मेरे को ये फ्रॉड हो गया, मेरे से ये पैसा ले लिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एजेंट पड़े हुए हैं जो केवल पैसे के लालच में ये सब करते हैं, ठीक है, कि आपको इधर जब कि जॉब में ऐसा बोल के भेजते हैं कि आपको जाइए आपका ये जॉब लग जाएगा, अकाउंटेंट का लग जाएगा, ये कंपनी, इन लोगों का बाप का यहाँ कंपनी रखा है क्या कि उधर से भेजेगा और तुरंत यहाँ कंपनी में लग जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े एजेंट है जो मतलब ऐसा उनसे डिपॉजिट कराया जाता है, फिर कंपनी उनको बोलती है कि आप मतलब आपका आदमी आएगा तो मैं रखेगा, ऐसा कुछ करके वो लोग डिसीजन लेते हैं तब रखते हैं। अब ये साले सब किसी को ऐसा कंपनी देने लगे कि अपना आदमी रहो लेके आओ इधर रखता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे ला के आप लोग जैसा समझ के चलिए कि आप लोग जैसे विजिट वीजा में आते हैं ना, वैसे ही सेम ये लोग करता है। बस विजिट वीजा में आप लोग लाता है तो ये होता है कि इनके रूम पे जाते हैं, लेकिन विजिट वीजा में आए आप तो अपने हिसाब से पैसा भी खर्च करेंगे, उसके आधे में काम हो जाएगा, जो आप 70,000-80,000 लगा के आते हैं उससे कम में आपका काम हो जाएगा। और आने के बाद इधर जो ये लोग काम खोजता है ना इंटरनेट से, ये लोग आप भी कर सकते हैं ना, ये चला मॉडर्न युग में आदमी इंटरनेट नहीं चला सकता, इतना आप लोग कर सकते हो। तो अपने मोबाइल में आप लोग ये जैसे वो लोग सर्च करते हैं, आप ऐसे नहीं सर्च कर सकते हो। तमाम तरह के यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जॉब सर्च करना है, कैसे क्या करना है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग सोचते हो सर आसान में जाओ, किसी एजेंट को 70,000-60,000 दो, 80,000 दो, वो जितना मांगता है दो, वो तो बोल दिया है कि मेरे को जॉब दिलाएगा, तो इधर आप लोग उसको दे के और आसानी में सोचते हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे आदमी को देखा हूँ जिसको वो बोला है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दिलाता हूँ, अकाउंटेंट का जॉब दिलाता हूँ, और इधर बुला के मालूम है किस में लगाता है? क्लीनर में लगाते हैं। कितना शर्म की बात है, क्लीनर में लगाते हैं, बोलते हैं अभी एडजस्ट करो, बाद में जो अभी क्या है वो वैकेंसी फुल हो गया है, तो आपको बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको मतलब इलेक्ट्रीशियन में या अकाउंटेंट में आपको लगा दिया जाएगा, अभी आप क्लीनर में काम करो या कहीं सफाई करो या छोटा मोटा काम लगाएगा बोलेगा इसको करो, ठीक है। तो ये ऐसा अभी धोखाधड़ी करते हैं लोग, और ऐसे बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है, और वो लोग मतलब कमेंट भी करते हैं, बताते भी हैं। तो भैया आप लोग पहले ही सतर्क रहिए ना, आप लोग पहले ही सोचते हैं कि मैं अगर पहले सोचते कि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो पहले पूछूं, तो आप लोग पूछते नहीं हो एजेंट से किस कंपनी में भेज रहा है भाई, आप बताओ कौन सा कंपनी है, वीजा क्या है, आपका ऑफर लेटर दिखाओ, ऑफर लेटर पर साइन किया तो वो दिखा। पहली बात तो कंपनी यहाँ से डायरेक्ट आपको इम्प्लॉयमेंट वीजा देती नहीं है, ये एजेंट जो जितने होते हैं फर्जी, ये लोग डायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लेगा, ये विजिट वीजा में आपको बुलाता है, ठीक है।
विजिट वीजा में बुलाने के बाद से आपको इधर जॉब ढूंढ के लगाता है। तो आप बताइए, आप खुद से अपने हाथ से भी काम कर सकते हो। आपको हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो बने हुए हैं, आप उसे उसमें से देख सकते हो। लेकिन आप लोग ये सब चाहिए ना, पूरा आसान में चाहिए। और भाई साहब, आप लोगों से मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो वीडियो बनाता हूं मैं आप लोगों के हित के लिए बनाता हूं, ठीक है। मुझे इतना शौक नहीं है कि मतलब मैं दिन में 10 वीडियो डालूंगा, 5 वीडियो डालूंगा तो उससे मेरा इनकम होगा, ऐसा नहीं। मैं ये सोचता हूं कि जो डालूं वो आपका हितकारी हो, मतलब आपको उससे लाभ मिले, नहीं तो मेरे को इतना मेहनत करने से फायदा क्या। भैया आपको बता दूं कि आप सभी हमें हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब मैं मोटिवेट होता हूं कि और वीडियो बनाऊं और आप लोग का जो भी क्वेश्चन आता है उसका मैं जवाब दूं। और ऐसे ऐसे भाई लोग हैं जो इसमें बोलते हैं कि भैया आप बोलने में डरते हो क्या। भैया हमको बोलने में डर नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम उतना नहीं होता है कि मैं आपको मतलब उतना समय दे पाऊं इस एक वीडियो के लिए, ठीक है। तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ क्योंकि काम भी इतना होता है, ऑफिस का काम आप लोग जानते हो, कितना काम होने के बावजूद भी वीडियो बनाना, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको हेल्प करूँ। आप लोग मतलब उल्टा सही ये सब क्वेश्चन आप लोग पूछते हो तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप सभी जो भी पूछे ऐसा पूछे कि दूसरे को भी अच्छा लगे और मतलब उसका मैं जवाब भी दे सकूँ, ठीक है। आपके मन में भी कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट हाईलाइट करके उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपने क्या कमेंट किया था और उसका रिप्लाई क्या है, ठीक है। तो इतना ही है ये वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।